हल्द्वानी के प्रेमपुर लॉन्च ज्ञानी में सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हाल ये है कि नहर पर कूड़े के जमा होने के चलते सिंचाई नहर का पानी घंटों बहता रहा, लेकिन शिकायत के बावजूद भी किसी भी अधिकारी के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। यही नहीं, नहर का पानी के तेज बहाव के चलते कई लोगों के घर में नहर का गंदा पानी घुस गया, जिससे कि घर में रखे जरूरी सामान पानी में भीग कर बर्बाद हो गए। वहीं नहर से निकले पानी के सैलाब ने कई खेतों की फसलों को भी खराब कर दिया, लेकिन शिकायत के बाद भी अभी तक किसी अधिकारी ने इसकी सुध लेना जरूरी नहीं समझा, जिसको लेकर ग्रामीणों में खासा रोष है। वहीं ग्राम प्रधान का इस पर कहना है कि उप जिलाधिकारी महोदय को कई बार फोन पर समस्या की जानकारी देने की कोशिश की गई, लेकिन माननीय उप जिलाधिकारी ने फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा। खेत की स्थिति मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ। ये वो खेतों की स्थिति है जहाँ से कल पानी का बहाव निकला है। कल जो नहर से नहर ब्लॉक होने की वजह से जो ओवरफ्लो हुआ है, आप देख सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आगे आएँ, थोड़ा स्थिति है ये, हालत देखिए। हम आगे आ चुके हैं खेतों में, दूसरा खेत है, इसकी स्थिति कितनी खतरनाक बनी हुई है। पूरी फसल चौपट हो चुकी है और सामने एक बाउंड्री बनी हुई थी, शायद उसके अवशेष वहाँ ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। आप दूर से देख सकते हैं कि वो बाउंड्री पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। उसके टूटने के बाद ये पानी का फ्लो कितना तेज़ होगा आप समझ सकते हैं। एक बाउंड्री तोड़ने के बाद इस खेत में घुसा है और खेत में फसल किस तरीके से नष्ट चौपट की गई है। और साथ ही इसके रोड के दूसरी तरफ जो खेत था जहां पानी उसके बाद प्रवेश किया है, उसकी हालत आप देखिए किस तरीके से पूरा नहर का जो कूड़ा है पूरी तरीके से खेत में फैला हुआ है, जिसमें फसल लगी हुई थी। कहीं से कहीं तक दूर तक फसल का नामो निशान इसमें नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक, और दूर दूर तक केवल जो कूड़ा है या प्लास्टिक है वही दूर दूर तक खेत में फैला हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसकी स्थिति बनी होगी, आइए चलते हैं। इसमें जो सुरक्षा दीवार बनी हुई थी, सुरक्षा दीवार की तरफ चलते हैं, सुरक्षा दीवार की आपको स्थिति दिखाते हैं। सुरक्षा दीवार जो बनाई गई थी इस खेत के लिए या जल भराव के लिए, उसकी स्थिति हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ब्लॉक इसमें टूट के गिरे हैं, सीमेंट के जो ब्लॉक हैं। ये सुरक्षा दीवार की स्थिति है। मैं उसी सुरक्षा दीवार पर हूँ जो इस खेत की और इनकी मेड़ों की सुरक्षा के लिए जो बनाई गई थी। उसके बाद जो स्थिति है खेत की आप देख सकते हैं, और आगे थोड़ा चलते हैं। इस सुरक्षा दीवार किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है वो आपको दिखाना चाहूँगा ज़रूर। ये वो सुरक्षा दीवार है, मैं उसी खेत में हूँ जिस खेत में एक दिन पहले पानी का बहाव ने पूरा सब कुछ तबाह कर दिया है, सब कुछ नष्ट कर दिया है। ये टूटी हुई सुरक्षा दीवार, सीमेंट के ब्लॉक जो बड़ी मजबूती के साथ गाड़े गए थे, सुरक्षा के तौर पर गाड़े गए थे, उनकी हालत आप देख सकते हैं। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पानी की भयावहता कितनी होगी, उस पानी की भयावह उस पानी की स्पीड कितनी रही होगी जो सुरक्षा दीवार को इतना क्षतिग्रस्त करके गया है। और ये स्थिति है आगे की, आगे के दूर दूर तक के सारे खेत जहाँ फसल लगी हुई थी सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ सारे का सारा कूड़े में तब्दील हो गया है। सारी फसल यहाँ नुकसान हो चुकी है लोगों की, और शायद सरकार से जो कुछ उम्मीद लगा रहे हैं कि इसकी इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई ज़रूर की जाए, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इस ओर कैसे ध्यान देती है। हमारे साथ हैं इस क्षेत्र के एक समाज सेवी और वरिष्ठ नागरिक इस ग्राम सभा के, जी आर आर्य जी, इनसे जानते, जी आर टमटा जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अंबेडकर मिशन फाउंडेशन से। तो टमटा जी स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। धन्यवाद आपको। सर ये जो आपदा, जिसको हम आपदा कह सकते हैं, ये जो आपदा अभी ग्रामीणों के भी लिए आई है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? ये आपदा तो बनाई हुई आपदा है, बारिश ने आना है और वो ज़मीन पर गिरेगी, नाले बहेंगे, लेकिन नाला रोका गया है ना, उसका जो जो स्पान था उसको कम कर दिया, जैसा कि आपने देखा भी कि जितना उसका चौड़ाई थी वो कम कर दी गई और वहीं वो ब्लॉकेज हो गया और पूरे लोगों को जो है तबाह करके रख दिया, पूरी फसल को तबाह करके रख दिया। 5-6 करोड़ का इसमें लोगों को नुकसान हुआ है। यहाँ पर गरीब जनता रहती है, खेती बाड़ी से अपना धंधा चलाती है, लेकिन उसकी फसल बिल्कुल एकदम चौपट हो गई। तो इसमें जो है प्रशासन के द्वारा भी इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने नहीं लिया। और सिंचाई विभाग की बड़ी जिम्मेदारी होती थी कि उस अगर नहर को आपने इंक्रोचमेंट किसी ने कर रखा है तो आज तक सिंचाई विभाग ने क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया? आपको एक खामी और यहां देखने को मिली है
कि इस ग्राम में अभी तक 24 घंटे लगभग इस आपदा को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो सिंचाई विभाग का कोई कर्मचारी यहाँ आया है, न किसी अधिकारी ने सुध लेने की कोशिश की है कि इस नुकसान का आकलन किया जाए। जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। ग्राम प्रधान यहाँ के जो हैं वो जरूर कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बात की जाए, लेकिन कोई भी बात करने को या फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। ये हालत है हमारी सरकारी मशीनरी की और ये हालत है हमारे उत्तराखंड की। के ग्राम प्रधान भूपाल सिंह बोरा जी हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। भूपाल जी स्वागत है आपका न्यूज 31 उत्तराखंड में। अच्छा, क्या स्थिति थी भूपाल जी? सर, जब मेरे पास फोन आया, यहाँ इतनी खतरनाक स्थिति थी कि देखने लायक नहीं था सर। एक वो किसी के बर्तन भय जा रहे हैं, एक का मुर्गिया पूरा वो भय गया जी, वो बड़ी मुर्गिया भी नहीं बची। और जब यहाँ पर बोलो जेसीबी सर, शासन प्रशासन को फोन करना, तो जेसीबी आती नहीं जी। तो तुरंत मैंने कॉल किया जेसीबी गाँव के स्थानीय लोगों को, उन्हें तुरंत जो जेसीबी मंगाई, जिसमें से एक जिसमें से हो गया था काम। और ये जो नाला जो पानी आने का कारण है, सिर्फ यहाँ पे जो चक्की है, ये नयाल जी की जो दुकान है, ये लोग कहना है कि काफ़ी छोटी कर दी है लोगों ने, सक्री कर दी बहुत। वो नहीं तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कहीं चौड़ाई ज़्यादा कहीं कम, ऐसा हो नहीं सकता सर जी। ये बड़े इसलिए चक्कर में, तो इसमें सिंचाई विभाग ने आपत्ति नहीं जताई कभी सर? क्योंकि वो बने हुए तो काफ़ी समय हो गया है। काफ़ी समय हो गया, आज तक हुआ नहीं। कहा होगा स्थानीय लोगों ने पहले से, मैं तो इस बार मैंने देखा है, मैंने आज तक भी मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। जब मैं कल जब मैं आया तब मैंने ध्यान दिया, तब मैंने भी कहा कि छोटी है, उसे बात हुई नहीं अभी न्याल जी से मेरी, उनसे बात करके कौन सर इसे सही करिए, नहीं तो सरकार आगे तोड़ जाएगी, इसकी हमारी हारी नहीं रहेगी। हाँ, तो ऐसा 3 घंटे जो पानी खेत पे बहेगा, उस खेत की क्या स्थिति होगी या वहाँ लगाई फसल की क्या स्थिति होगी, ये आप और हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से, जिन्होंने इसको देखा है, प्रत्यक्ष रूप में देखा उस पानी के बहाव को। जी सर, आपका नाम? गणेश नेगी। गणेश नेगी, गणेश जी, किस तरीके का माहौल था या किस तरीके से पानी आया यहाँ? शुरू में तो ऐसा लगा कि जैसे थोड़ी सी एक धार जैसी आई पानी, वहाँ पर ये नयाल जी की जनरल स्टोर से दुकान है, वहाँ पर पुलिया संकरित है, वहाँ पर कुछ ब्लॉकेज हुआ, उसी वजह पानी का बहाव इस तरफ आ गया, इस तरफ आता नहीं था रौला, तो धीरे धीरे सारा ही जो है पानी इस तरफ आ गया। इतना भयानक था कि इसमें चलने लायक नहीं था, ये बह जा रहे थे लोग, इतना बहाव तेज था इसमें। एक 2 से 3 घंटा वार पार पूरा ट्रैफिक जाम हो गया इसमें, दीवारें सुरक्षा दीवारें ढह गई, दिख नहीं रहा कि इसमें बोया क्या था करके, सारा पूरा कूड़ा ही दिख रहा है जी। बिल्कुल क्या बोल रहा है, कोई जज नहीं कर सकता। और कल 4 बजे की बात है, अभी तक कोई सिंचाई विभाग का कोई कर्मचारी कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। आपने कहीं शिकायत करने की कोशिश की? हमने नेट से नंबर लिए, नंबर किसी ने पिक नहीं किए, नेट से लिए नंबर हमने सिंचाई विभाग वालों के, लैंडलाइन नंबर है, किसी ने उठाया ही नहीं। मैं 4 से 6 बार ट्राई कर चुका हूँ, कल शाम से भी और सुबह से भी जी। फिर हमने प्रधान जी को बोला भैया आप करो जैसा करना है, फिर उन्होंने करी आगे की कार्रवाई जी। आपने SDM वगैरह उप जिला अधिकारी महोदय को सूचित करने की नहीं सोची? नहीं, हमने प्रधान जी को बताया था तो एक चैनल के थ्रू ही जाएंगे, तो प्रधान जी ने उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया प्रधान जी का भी, SDM साहब ने जी। सर, आपका नाम? कैलाश चंद। कैलाश चंद, कैलाश जी, क्या स्थिति रही, ये खेत आपका है? हाँ जी, मेरा पास ठेके में लिया था मैंने ये जी। और कल बाढ़ आ गई है, पर बाढ़ आने से मेरे धान सब बेकार हो गए हैं, अब हम बच्चों को क्या खिलाएंगे इसमें से, और कल 2 बीघा धान हमारे सब बेकार हो गए हैं जी। लगभग कितनी लागत लगाई थी आपने इस 2 बीघा के लिए? लागत इसमें लगी है साहब 8,000 रुपये कम, 8,000 की लागत लगी है, खाद बीज वगैरह से सब लगा, लेबर पार्टी से लगा के 8,000 की लागत लगी है। अभी कटाई मड़ाई की लागत अलग है जी, और हमारे फसल पूरी नष्ट हो गई है, और ये मतलब वहाँ पुलिया पे लगा है, और हम बेरोजगार आदमी हैं तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, जब हम फसल के निरीक्षण रहते हैं तो फसल ने वो करी थी तो हमारे फसल नष्ट कर दी जी। अच्छा, यहाँ के क्षेत्रीय जो ये ग्रामीण एरिया है ना, फिर कोई लक्षण नहीं? अच्छा, ग्रामीण एरिया है ना ये तो? हाँ, अभी हाँ, हाँ। तो इस यहाँ क्षेत्र के ग्राम प्रधान अभी तक आपके पास आए कुछ बात? प्रधान जी को हमने बुलाया था, हमने प्रधान जी को फ़ोन किया था कल जी, और प्रधान जी आए। प्रधान जी आने के बाद हमने जो JCB मंगाई, प्रधान जी ने भी कहा जो JCB आ रही है जी। जब उनने वो खुलाया था तब पानी कम हुआ और बहाव ज़्यादा था, और सब मतलब दीवार विवाल सब जितनी थी बाउंड्री सी सब टूट गई है, और घरों में पानी घुस गया। कितनी देर रहा ये पानी? ये पानी रहा करीब 3 घंटे हैं। आपका नाम? प्रमोद पाल। प्रमोद जी, क्या रहा पानी का, जिस समय पानी ये बड़ा है या ओवरफ्लो हुआ, कैसे किस तरीके से हुआ? ये यहाँ कचरा अटका ये रोले में, उसके बाद में सारा पानी दुकान में आया, मेरे सारे मुर्गे उर्गे सब बह गए और पिंजरा मेरा सब बह गया, मेरा कम से कम 30-32 मुर्गे थे वो भी बह गए। अच्छा जी, उसका नुकसान हुआ लगभग?
लमसम में आप लगाइए मेरे कम 10-12-13 हज़ार का नुकसान हो चुका है सर। अच्छा। और बाकी का अंदाज़ा नहीं लगा पाए क्या क्या बहया है मेरी दुकान से जी, उसका कुछ पता ही नहीं चला अभी तक क्या बहया है क्या नहीं। अभी सुबह से अभी तक सफाई में लगा हूँ। तो अभी तक कोई सिंचाई विभाग का कर्मचारी आया है यहाँ? सर अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया। कहाँ तक हुई है, किस तरीके की बर्बादी की है, घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है, घरों में लोग परेशान हैं, घरों का लोगों का सामान भीगा हुआ है, बह गया है, या घरों में जो राशन रखा हुआ था वो राशन भीग चुका है या बह चुका है, ख़त्म हो गया है। कहीं ना कहीं इससे आर्थिक संकट और खाने का संकट बच्चों के सामने ज़रूर पैदा होता है। और ख़ासकर बात करते हैं किसानों की, तो किसानों की स्थिति आज जिस स्थिति में किसान हैं वो स्थिति किसी से छुपी नहीं है, और उस पर ऐसी मार ये कहीं ना कहीं दुखदायी साबित है। ये जिस खेत का अभी हमने आपको दिखाया है, जिक्र किया है, उस खेत की काम करने वाली जिनका वो खेत है, आइए इनसे जानते हैं। जी माता जी, आपका नाम? हेमंती देवी। अच्छा, क्या हुआ था, मतलब किस तरीके से पानी आया है? पानी पुलिया के नीचे बंद होने के कारण हमारे तरफ पानी ने छलार मारा। अच्छा। हाँ, तो सीधे घर तक आया पानी। अच्छा, खेत, तो अभी खेत की स्थिति क्या है? आपने धान वान लगा रखे? धान लगा रखे हैं, धान की फसल है इस समय जी। अभी तो ये तो सब खत्म हो चुकी है, किस तरीके से संभालेंगे इसे? अब कैसे संभालें सर, हमारे बस से तो बाहर है, इसमें कचरा कूड़ा कितना आ रहा, क्या क्या आ रहा जाने, हम देखे हैं अभी तो खेत में घुसे नहीं। हमने भट बोए थे, भट बोए थे, अब सारे फसल नष्ट हो गई है। और हम तो पहले दहशत में थे, अंदर को भी पानी आ जा रहा है। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ, चार लड़कियाँ मरते मरते बची, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ, इस साल भी कोई संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। कल हमने देहरादून भी फिर फ़ोन किया 112 में, कोई संज्ञान में नहीं रहे। तो ऐसे तो आदमी मरा मराया जाएगा, अंदर सब पानी घुस गया और हमारी डर के मारे रात भर हम सो नहीं पाए। स्थानीय लोगों की जो दहशत में जी रहे हैं, दहशत का माहौल बना हुआ है इस पानी को लेकर, खासकर जो नहर से सिंचाई, नहर से ओवरफ्लो होकर यहाँ सड़क पर आया, इसके बाद आप देख सकते हैं दुकानों के आगे किस तरीके से मलबा इकट्ठा हुआ है। और इसके बाद जो इसने गांव में तबाही मचाई है वो शायद सोचने में भी लोगों की रूह कांप जाए। जिस तरीके से फसल की बर्बादी हुई है, किसान जिससे बड़ी उम्मीद लगा के रखता है कि मेरी फसल होगी और मैं आगे उससे अपने बच्चों का या अपने परिवार का भरण पोषण करूँगा। ये जो हाइट है, यहाँ रहने वाले बता रहे हैं कि इस लेवल तक यहाँ पानी भरा हुआ था, कीचड़ भरा हुआ था, 8 फीट लगभग 8 से 10 फीट यहाँ पानी भरा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी भयावह स्थिति होगी यहाँ अंदर रहने वालों की। और अभी तक सिंचाई विभाग का कोई भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ सुध लेने नहीं पहुँचा है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। कि यहाँ आइए, जो यहाँ रहते हैं उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? हेमारिया। हेमा जी क्या स्थिति रही है सर? यहाँ जैसे पानी आए हमें पता भी नहीं चला, जैसे यहाँ पर आए इतना भर गया यहाँ, संभलने का मौका नहीं दिया, पूरा फुल हो गया यहाँ, अंदर तक पानी घुस गया इधर। अच्छा जी, तो यहाँ क्या क्या सामान था आपका? यहाँ फ्रिज, कूलर, बेड, चूल्हे, कुर्सी, मेज, बहुत सारे सामान, और कॉपी किताब बच्चों की। अच्छा, तो यहाँ कोई था भी व्यक्ति कोई था? जी नहीं, उस टाइम नहीं था, उस टाइम पे नहीं था। नुकसान हुआ है जिनके यहाँ पानी भरा, जिनकी अभी आपने सामान की जो स्थिति देखी, कमरे की जो स्थिति देखी, ये वो महिला है जो लगभग अभी अनुमानित एक लागत बता रही है कि 2 से 3 लाख का इनका नुकसान हुआ है, ज्यादा भी हो सकता है, इससे बढ़ भी सकती है ये रकम, लेकिन फिलहाल अनुमानित तौर पर 2 से 3 लाख का नुकसान जरूर यहाँ पर हुआ है। ये सामने जो टैंकर खड़ा आप देख रहे हैं, सीवर टैंक खाली करने की मशीन जो खड़ी है, इससे पानी यहाँ से निकाला गया है। लगभग 16 से 18 टैंकर पानी अभी तक यहाँ से निकाला जा चुका है, कीचड़ पानी जो साथ में मिक्स है वो निकाला जा चुका है, और अभी भी लगभग 5 से 7 टैंकर पानी अभी और यहाँ जमा है। जो स्थानीय यहाँ के व्यक्ति निकाल रहे हैं पानी, उनका कहना है कि कम से कम 5 से 7 टैंकर अभी और लगेंगे इसको पूरी तरीके से साफ करने में। हर खबर में होगी हमारी नजर, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।